रेडी। वक्त रियासत हो, सियासत हो या अदालत हो, हर जगह हम देख रहे हैं कि अफरा तफरी मची हुई है। क्या हुई? मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की संसद ने माना है। सुनते जाइए, भारत सुपर पावर बन चुका है। हाय हाय। और पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, इसके ऊपर बाइस फखर है। पाकिस्तान के मुंह में आता है पानी, पानी क्यों ना आए के बदलते रंग देखकर गिरगिट भी शायद शर्मा जाए। पानी क्यों ना आए के कहते हैं कि दुश्मन आपको ज्यादा सिखाते हैं। इंडिया से फौरी तौर पर बॉर्डर खोलें। तेरे बाप की शादी है कह रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने ये स्टेटमेंट दी है। सुनते जाइए। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। yes. 15 अगस्त 1947 को हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। लह के नाम पे दे दरो बाबा, दे दरो बाबा, दे दरो बाबा। हमें अपनी ईद का चांद नजर नहीं आता और इंडिया चांद पे जो है वो पहुंचा हुआ है। बहुत बढ़िया। कायदे आजम का पाकिस्तान कहाँ है आज? तेरे पे। भारत सुपर पावर बनने के रास्ते पे चल चुका है और हम लोग डिफॉल्ट के दाहने खड़े हैं और डिफॉल्ट को अवर्ट करने के लिए हमें भीख चाहिए। अभी कोई नई बात नहीं है, मैं जानता हूँ। अब भारत में जो लिबरल तबका है ना, वो कहता है कि जी अगर पाकिस्तान और भारत की आपस में दोस्ती हो तो इन दोनों ममालिक की किसी दूसरे, इन दोनों ममालिक को किसी दूसरे मुल्क की जरूरत ही नहीं है, ये आपस में अपनी सारी जरूरियात पूरी कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि जब हमारा दिल करेगा हम भारत से ट्रेड करेंगे, जब हमारा दिल करेगा हम बंद करेंगे। ऐसे तो नहीं होता है। सही बात है। जैसे कि हमारे हुक्मरान है, उन्होंने कहा बैगर कांट भी चूजी, जब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे आपको भिखारी साबित कर दिया। और आज भी हम बैगर्स हैं, खुदा जाने हम चूजर्स कब बनेंगे। ये सब कुछ हमारे अपने ऊपर। मैं कहां जाऊं? भाड़ की भट्टी में जाओ, जाके अपनी ऐसी जैसी कराओ। कि हम हिंदू को बुरा कहते हैं, इंडिया को बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के साथ मुखलिस होने के वजह से उस इंडिया को दुनिया की एक सुपर पावर बना दिया। वाह मोदी जी वाह। देखो पाकिस्तान का छोटा मोटा आदमी अगर भारत की तारीफ करे ना तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान की एक मेन पार्टी है और वो शख्स पाकिस्तान की कश्मीर कमेटी का 3 बार अध्यक्ष रह चुका है। कश्मीर कमेटी का मेन मकसद ही ये है कि कश्मीर को भारत से आजाद करा जाए। 3 बार अध्यक्ष रहने वाला बंदा पार्लियामेंट में खड़ा होकर अगर भारत की तारीफ कर रहा है और पाकिस्तान को जूते मार रहा है तो पाकिस्तानियों तुम्हारे लिए तो बहुत शर्म की बात है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और सबसे कमाल की बात, जब से फजलुर रहमान ने ये बयान दिया तब से पाकिस्तान की मीडिया के अंदर, पाकिस्तान की आवाम के अंदर एक डिबेट फैल गई है कि हम भारत की तारीफ करेंगे। वाह भाई वाह। इन पाकिस्तानी मीडिया वालों को ऐसा लगता है कि हम भारत से बिजनेस करेंगे, भारत से ट्रेड करेंगे। जैसे ही हम भारत को बोलेंगे तो भारत तो बिल्कुल हाथ खुले करके खड़ा हुआ है। अबे भिखारियों, भारत अगर दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बनाए तो तुमसे ट्रेड करके बनाया क्या? और कोई जरूरी थोड़ी ना कि तुम्हारे साथ ट्रेड ही करे भारत। बातें सुनिए आप इनकी। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान IMF के पास या मुख्तलिफ जगहों पे जाके भीख मांगता फिर रहे बैंकक्रप्ट होने से बचने के लिए, दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं भिखारियों कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया आजाद तो इकट्ठा हुआ है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ना, जो तरक्की की है, वो दोनों ने अपने रास्ते डिफरेंट जो है ना वो इख्तियार किए। ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये भाई साहब ने बोला कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, तो सबसे पहले पाकिस्तानियों की गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लो। कुछ पाकिस्तानी कहते हैं कि एक दिन पहले आजाद हुआ, भारत एक दिन बाद आजाद हुआ। तो भैया 15 अगस्त को आजाद सिर्फ भारत हुआ था। हां भाई हां। और पाकिस्तान का जन्म हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और बांग्लादेश का जन्म हुआ था 1971 में। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये गलत फहमी दूर कर लो, नहीं तो ऐसे ही जलील और खुआर होते रहोगे। पाकिस्तान जब से बना है, जो भी हुक्मरान आया, हमारा हुक्मरान आया, उसने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा, अपने ईमान के बारे में, अपने अपने बारे में सोचा है। पाकिस्तान अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 15 साल के अंदर पाकिस्तान सेंचुरी मार देगा, सिर्फ IMF से, और किसी से नहीं, सिर्फ IMF से पाकिस्तान सेंचुरी मार लेगा। मेजर साहब यही तो कयामत है। पाकिस्तान सेंचुरी लगाएगा किस बात की भाई? IMF से कर्जा लेने की, $100 बिलियन की। 23 दफा पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में गया, 23 बार, जबकि हिंदुस्तान अपनी हिस्ट्री के अंदर सिर्फ 1 बार गया था और दोबारा कभी IMF का मुंह नहीं देखा। और ये भाई लोग हर साल ही चले जाते हैं। उसके अलावा इनका कटोरा कभी चाइना के आगे पड़ा हुआ होता है, कभी सऊदी अरब के शेखों के पास पड़ा होता है। अभी भी कुछ डालती।
जैसे कि हमारे हुक्मरान है, उन्होंने कहा बैबर कांड भी चूजी, जब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे आपको भुखारी साबित कर दिया तो आपके पास कुछ भी नहीं। हमारे माई बाप ऑफ बैगर्स कैन नॉट बी चूजर, और हम जाते हैं तो हमारी बगले देखते हैं कि कहीं कशकोल तो नहीं रखा हुआ, पानी के गिलास पी रहे होते हैं, पर्चियां पढ़ पढ़ के हम बता रहे होते हैं। लीडरशिप ऐसे नहीं होती। हमें तो रोक दिया गया, हमें तो ये कह दिया गया कि आपको नोटिस बकायदा भेज दिया गया मुझे कि भाई आपने इंडिया की बात नहीं करनी, इंडिया को ग्लोरीफाई नहीं करना, इंडिया से सीखना गया, इंडिया का जिक्र ही नहीं करना। डर गया। आप अगर बात करते हैं या मैं बात करता हूँ या कोई भी बात करता है उसे नोटिस आ जाता है, उसे किसी इदारे की तरफ से वार्निंग दे दी जाती है। तो जैसे मौलाना फजल रहमान ने बात की, इन्हें भी नोटिस जाना चाहिए फिर तो, मतलब सारी बात है। शोएब चौधरी को जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो नोटिस मिला ना, उसका दर्द हो रहा। देखो मैं अगर भारत की बात करूं तो हमें नोटिस, और फजल रहमान वहां संसद में खड़ा होकर करे तो उसको कोई कुछ नहीं। भैया पाकिस्तानियों, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो चुका है और तुम सब अपनी आखिरत की तैयारी करो, ये दुनिया जहान तुम्हारे लिए नहीं है। मुसलमान की जिंदगी ही मरने के बाद शुरू होती है, तो तुम जी क्यों रहे हो? फांसी का फंदा लगाओ और तुम सारे के सारे लटक जाओ एक ही रात में, पूरा पाकिस्तान एक ही रात में स्वाह हो जाना चाहिए। हम कहते हैं ना कि रूल फॉर ऑल, वो एक जैसा होना चाहिए, यहाँ सिर्फ कानून जो है वो गरीब के लिए है। पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो पाकिस्तान के मसाइल का असल इदराक करते हुए आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करे। अगर आप जैसा या मेरे जैसा कोई आम पाकिस्तानी ये बात करता है ना कि इंडिया दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गई है, इंडिया ने डेवलपमेंट कर ली है, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अदारे बुला के ये कहते हैं कि यार आपके हमारे पाकिस्तान के आइन में नहीं लिखा है कि आपने उनकी तारीफ करनी है। 500 बार लानत है ऐसे पाकिस्तान के आइन पे, फेंको कचरे के डब्बे में। वैसे भी अगर आप लोगों को पता नहीं तो बता दूं, पाकिस्तान का आइन 3 बार ही बदल चुके हैं, पूरी तरीके से बदल चुके। तो तुम्हारा आइन आइन ना हो गए, कचरा पट्टी है, उसको कूड़ेदान में डाल दो। मुझे देखे उन्होंने लाज बैन करी, आप उनकी मईशत आपकी वजह से तबाह नहीं हो रही, लेकिन अगर आज आपके पास जानवर काटा नहीं होगा तो आपकी मईशत उनकी वजह से तबाह हो जाएगी। और एक साइड पे असेंबली में खड़े होकर मौलाना फजल रहमान तारीफ कर रहे हैं और अदारा उन्हें चला भी रहा है, यानी कि पीटीवी पे वो चले, नशर हुई उनकी बात, तमाम मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी वो चलाई। देखें जो आप फजल रहमान की बात कर रहे हैं ना, जैसी हमारी जो दूसरी लीडरशिप है ना, जो एस्टैब्लिशमेंट की फ्रंट मैन है पिछले 40-50 सालों से, ठीक है, फजल रहमान खुद भी वही है। अच्छा, ये फ्रंट मैन है उनका। मुझे ये बताएं, ये जो उन्होंने तारीफ की है, ग्लोरीफाई की है भारत को, हिंदुस्तान को, क्या ये बेहतर चीज है? मेरे ख्याल से तो सही है और एक्सेप्ट करना चाहिए। आप इंडिया की तरक्की का राज ना वहाँ पे, इंडिया की तरक्की का राज है वहाँ पे जो है ना, जो वोटिंग सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी। देखिए भारत चेंज हो गया। कैसे? अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटें लेके पावर में आ रहे हैं तो क्या ख्याल है वो आपका इंतजार कर रहे हैं कारोबार करने के लिए? जो आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, जो आपके साथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते, जो आपको वीजे नहीं देते, कोई ठूक 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 ठूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। बट हम जब पब्लिक में जाके ये कहते हैं कि यार वहाँ से सीख लो, या उनको देखो कि जैसे वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हमें भी बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, तब हमें बहुत से मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए मैं ये तब ये कह दिया जाता है आप एजेंट हो, आपको शर्म नहीं आती, आप अपने घर के मसले बाहर बता रहे हो। खाली देखो तारीफ खाली इंडिया की नहीं बनती, ठीक है। इंडिया अगर कोई अगर देखा जाए ना, अगर कम्पेयर टू चाइना किया जाए तो शायद उसके 20% भी नहीं। अच्छा, तो आप अगर तुर्की की देख लो, तुर्की में भी ऐसी डिक्टेटरशिप। तो मौलाना फजल रहमान भी चाइना की बात करते ना, तुर्की की बात करते, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप असेंबली में खड़े होकर इंडिया की कंपैरिजन करोगे या तारीफ करोगे? भाई वो इंडिया की ही तारीफ करेंगे, चाहे वो फजल रहमान हो जिसको लोग डीजल भी बोलते हैं, चाहे पाकिस्तान का कोई सा भी आवामी या आवाम हो, वो भारत से ही अपने आप को कंपेयर करेंगे क्योंकि ये भारत से ही निकले हैं। और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनको ये लगा था कि हम भारत से अलग होके चांद पे पहुंच जाएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी रॉकेट से भी ज्यादा तेज बढ़ेगी, लेकिन लास्ट में नतीजा क्या हुआ? नील बटा सन्नाटा, आटे के लिए भीख मांग रही है कौम। इन्होंने भीख मांगने के लिए एक पीएम रखा हुआ है, लोग देश चलाने के लिए एक पीएम बनाते हैं, इन पाकिस्तानियों ने भीख मांगने के लिए पीएम रखा हुआ है। ये तो तुम्हारी अचीवमेंट है, क्यों नहीं फिजा? बोल बोल। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में आप ही का है। आप भी इन पाकिस्तानियों को, तो आपको भी अजय देवगन की तरह ठोकते हुए जाना इन पाकिस्तानियों को। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखे, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।